सी आई टी एनसीआर द्वारा प्रस्तुत है कक्षा छह की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार पाठ ग्यारह चेतक की वीरता पृष्ठ संख्या एक सौ बाईस कविता रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था वो दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक, तक चेतक मुड़ जाता था कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में निर्भीक गया वो ढालों में सरपट दौड़ा कर वालों में है यहीं रहा अब यहाँ नहीं वो वही रहा है वहां नहीं थी जगह न कोई जहाँ नहीं किस अरिमस्तक पर कहा नहीं पृष्ठ संख्या एक सौ तेईस बढ़ते नदसा वो लहर गया वो गया गया फिर ठहर गया विकराल मैं बादल सा अरे की सेना पर गहर गया भाला गिर गया गिरा निशंग हटापो से खन गया अंग वैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग कवि श्याम नारायण पांडे इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चौकोर है जिसकी बाई ओर लिखा है कवि से परिचय और दाई ओर कवि श्याम नारायण पांडे का चित्र है नीचे लिखा है 1907 से उन्नीस कवि से परिचय वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन उन्नीस में हुआ था अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वो हल्दी घाटी का ही एक अंश है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था संख्या 124 पाठ से मेरी समझ से अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे यहां दी गई इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी यहाँ दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए एक चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था या चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था दो लेकर सवार उड़ जाता था इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है चेतक के लिए महाराणा प्रताप के लिए कवि के लिए या शत्रु के लिए ख अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने पंक्तियों पर चर्चा पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए क निर्भीक गया वो ढालों में सरपट दौड़ा कर वालों में खा। भाला गिर गया गिरा निशंग से खन गया अंग। मिलकर करें मिलान कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं पृष्ठ संख्या 125। इस पृष्ठ पर एक तालिका है तालिका के दो भाग हैं पहले भाग में लिखा है पंक्तियां और दूसरे में लिखा है भावार्थ आइए अब तालिका पढ़ें पंक्तियां के नीचे लिखा है एक राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था दो वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था तीन जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था चार राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था पांच विकराल वज्रमय बादल सा अरीकी सेना पर गहर गया भावार्थ के नीचे लिखा है एक शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता दो हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो तीन शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो चार चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था पांच वो राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता अर्थात वो उनका भाव समझ जाता था शीर्षक यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है यहां इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों कविता की रचना चेतक बन गया निराला था पड़ गया हवा को पाला था राणा प्रताप का कोड़ा था या आसमान पर घोड़ा था इन पंक्तियों में निराला पाला कोड़ा और घोड़ा शब्द रेखांकित हैं पृष्ठ संख्या 126। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं इस तरह की तुकांत शैली प्राय कविता में आती है कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए शब्द के भीतर शब्द या आसमान का घोड़ा था यहां पर आसमान शब्द रेखांकित है आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं आस समान मान सम आन नस आदि अब इसी प्रकार कविता में से कोई पांच शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए पाठ से आगे आपकी बात जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था क हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं कविता में आए ऐसे प्रयोग खोजकर परस्पर बातचीत करें ख कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए इस पर आपस में बात कीजिए समानार्थी शब्द कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं जैसे हय है, अश्व और घोड़ा इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं यहां पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी ना हो पृष्ठ संख्या एक यहां पर एक तालिका है तालिका के पांच भाग हैं पहले भाग में एक से पांच तक की संख्याएं लिखी हैं आइए तालिका पढ़ते हैं तालिका की पहली पंक्ति के अक्षर हैं हवा अनल पवन बयार तालिका की दूसरी पंक्ति के अक्षर हैं रण तुरंग युद्ध समर तालिका की तीसरी पंक्ति के अक्षर हैं आसमान आकाश गगन नभचर तालिका की चौथी पंक्ति के अक्षर हैं नद नाद सरिता तटिनी और तालिका की पांचवीं पंक्ति के अक्षर हैं करवाल तलवार असी और ढाल अब आपको उन शब्दों पर घेरा बनाना है जो समानार्थी ना हो आज की पहेली बूझो तो जाने तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान दिन में जगता रात में सोता यही मेरी पहचान एक पक्षी ऐसा अलबेला बिना पंख उड़ रहा अकेला बांध गले में लंबी डोर पकड़ रहा अंबर का छोर रात में हूं दिन में नहीं दिए के नीचे हूं ऊपर नहीं बोलो बोलो मैं हूं कौन मुझ में समाया फल फूल और मिठाई सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई सड़क है पर गाड़ी नहीं जंगल है पर पेड़ नहीं शहर है पर घर नहीं समंदर है पर पानी नहीं खोजबीन के लिए एक महाराणा प्रताप कौन थे उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करके लिखिए दो इस कविता में चेतक एक घोड़ा है पशु पक्षियों पर आधारित पांच रचनाओं को खोजिए और अपनी कक्षा की दीवार पत्रिका पर लगाइए अभी आप सुन रहे थे कक्षा छ की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ममता मलकानी ध्वनियांकन मंजू कुमारी निर्माण सहयोग कुसुमलता और चेतना शर्मा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सीईआर टी नई दिल्ली भारत